यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान के त्योहारों की। तो राजस्थान के त्योहारों में सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुओं के कौन कौन से त्योहार हैं। जैसे कि हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं और यह चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। जो विक्रमी कैलेंडर है हमारा, विक्रमी कैलेंडर ईसवी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे माना गया है। जैसे कि मान लेते हैं अभी चल रही है 2000, जो कैलेंडर है उसमें 57 और जोड़ देंगे तो उसमें चढ़ेगी 2077। इस तरीके से विक्रमी कैलेंडर में आगे संचलती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, विक्रमी कैलेंडर में प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीने को दो बार गिना जाता है, उसे हम कहते हैं अधिक मास, ताकि विक्रमी कैलेंडर और ईसवी कैलेंडर साथ साथ चले। तो टोटल विक्रमी कैलेंडर के अनुसार 12 जो महीने हैं वो कौन कौन से हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने हैं। इसको हम गांव ग्रामीण भाषा में बोले तो कैसे बोलते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, फूस, कुआ, कार्तिक, माघ, फूस, माघ, फागुन। तो फागुन आता है 12वां महीना। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने आते हैं। जो महीने के अंदर कृष्ण पक्ष चलता है 1 से 15 तक चलता है और 15 को हम मानते हैं अमावस्या। इसी तरीके से एक होता है शुक्ल पक्ष जो कि 1 से 15 तक चलता है, ये 9 वर्ष के टाइम पर आता है हमारा शुक्ल पक्ष। और इस शुक्ल पक्ष में जो 15 आता है नेक्स्ट, उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। और ये एक यहाँ पर 9 वर्ष का शुक्ल पक्ष होता है। तो हिंदू 9 वर्ष में चैत्र शुक्ल एकम से ये प्रारंभ होता है। कोई भी हिंदू 9 वर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है और वापस 15 दिन बाद में कौन सा आता है, शुक्ल पक्ष आता है, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पर हम जैसे देखें, जैसे कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इससे हम वापस पूछते हैं कि बावड़ी का मतलब रखते हैं यहाँ पर वापस लाना। तो इसका मतलब क्या है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसमें हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो आज यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि प्रथम हिंदू त्योहार है छोटी तीज जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो इसका मतलब क्या है कि अंतिम में जो आता है वो गणगौर आता है और स्टार्टिंग में हिंदू त्योहार जो आता है वो छोटी तीज आता है। छोटी तीज आता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, जबकि ले डूबी गणगौर इसका मतलब चैत्र शुक्ल में आता है गणगौर। तो दो तरह के शुक्ल हो गए हमारे, श्रावण शुक्ल और चैत्र शुक्ल। तो श्रावण है जैसे कि हमारे पास में श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण कब आता है, जैसे हम यहाँ पर देखें श्रावण आ जाता है जैसे कि इसमें 5वें नंबर पर, और चैत्र शुक्ल चैत्र आ जाता है 1वें नंबर पर। तो इसका मतलब अंतिम त्योहार हमारा गणगौर है और प्रथम त्योहार हमारा छोटी तीज है। नेक्स्ट हम देखें श्रावण की बात करें, श्रावण में 2 तरह के पक्ष हो गए हमारे, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। जैसे कि पंचमी है, कृष्ण पक्ष में जो पंचमी आती है वो नागपंचमी आती है, नवमी है वो निडरी नवमी है यानी नेवले की यहाँ पर पूजा की जाती है, और एक आती है अमावस्या, अमावस्या हरियाली अमावस्या होती है यानी इसको मेला लगता है। और इस मेले जो लगते हैं कहाँ कहाँ पर मेला लगता है, जैसे कि फतेह सागर झील में मेला लगता है उदयपुर में हरियाली अमावस्या के दिन, कल्पवृक्ष मेला लगता है मांगलियावास में अजमेर के अंदर, और बुड्ढा जोहड़ मेला लगता है श्री गंगानगर में। नेक्स्ट हम बात करें श्रावण की ही, जैसे कि तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है छोटी तीज।
नेक्स्ट हम देखें सिंजारा। सिंजारा नव्य विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आए उपहार होते हैं, यहाँ पर उनको हम कहते हैं सिंजारा। जो भी नई नई शादी होती है उसमें ससुराल पक्ष से जो दहेज जाते हैं या ससुराल पक्ष से जो उपहार आते हैं उसे सिंजारा कहा जाता है। यह प्रकृति प्रेम का त्योहार है सिंजारा। यहाँ पर पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है छोटी तीज, और ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। तीज पर महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं और जयपुर की छोटी तीज सबसे लोकप्रिय है। पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है और नारियल पूर्णिमा इसको कहा जाता है, रक्षाबंधन जिसको मनाया जाता है, और श्रवण कुमार की यहाँ पर पूजा की जाती है पूर्णिमा पर। फिर हम देखते हैं सावन के बाद में भादो, यानी भाद्रपद में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में जो तृतीया होती है उसको बड़ी तीज मनाई जाती है, जिसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं, या सातोड़ी तीज भी कहा जाता है, और इसमें बूढ़ी में बड़ी तीज सबसे लोकप्रिय है। ये बूंदी है, ये बूंदी में क्या है, बड़ी तीज सबसे लोकप्रिय है अगर हम बात करें बूंदी की। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में जो द्वितीया है इसको बावेरी बीज कहा जाता है, यानी रावदेव जयंती होती है उसकी, इस वजह से इसको बावेरी बीज कहते हैं शुक्ल पक्ष द्वितीया को। और रुणीचा में जैसलमेर में द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेला लगता है, और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें छठ को, ऊप छठ कहते हैं यहाँ पर कृष्ण पक्ष में, और इसको हलछठ भी कहा जाता है, बलराम जयंती को इसको मनाते हैं। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, किसमें, भाद्रपद में, और फिर नवमी में गोवा नवमी बनाते हैं, और इसमें यहाँ पर मेले लगते हैं। एक तो ददरेवा का मेला चुरू में लगता है, गोवा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ में लगता है, और यहाँ पर गोवा नवमी में किसान अपने हल को नौगाड़ वाली राखी बांधता है। नेक्स्ट हम देखें बारिश के दिन या द्वादश या बारिश के दिन, यहाँ पर वच बारस भी बोलते हैं इसको, बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का इस दिन प्रयोग नहीं किया जाता है बारिश के दिन, यानी भाद्रपद की बारिश के दिन चाकू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अमावस्या की बात करें तो इसको सती अमावस्या कहा जाता है। झुंझुनू में रानी सती का मेला यहाँ पर लगता है। अगर हम बात करें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की भाद्रपद के अंदर ही, तो गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, शिव चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, कलक चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, चतुरा चौथ के रूप में भी इसको मनाए जाते हैं। मेलों की बात करें तो मेले यहाँ पर जैसे कि त्रिनेश गणेश यानी रणथंबर का मेला लगता है, और चुंगी तीर्थ मेला है जैसलमेर में यहाँ पर लगता है। पंचमी की बात करें तो ऋषि पंचमी होती है ये भाद्रपद में, शुक्ल पक्ष के अंदर सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है पंचमी के दिन। मेलों की बात करें तो भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है, और हरिराम जी मेला झोरड़ा नागौर में लगता है। अष्टमी की बात करें यहाँ पर शुक्ल पक्ष के अंदर, तो राधा जन्माष्टमी कहलाती है यहाँ पर। सलीमाबाद अजमेर में निम्बर्क संप्रदाय का यहाँ पर मेला लगता है। और अगर शुक्ल पक्ष के अंदर दशमी की बात करें तो तेजोदशमी है, यहाँ पर परबतसर नागौर में पशु मेला लगता है, और खिजली वृक्ष मेला इसी दिन लगता है यहाँ पर तेजोदशमी के दिन। एकादशी की बात करें तो जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की मूर्तियों को स्नान यहाँ पर कराया जाता है एकादशी को। भादव में ही चतुर्पद चतुर्दशी की बात करें, यहाँ पर अनंत चतुर्दश होती है, गणेश जी की मूर्तियों को यहाँ पर विसर्जन किया जाता है। पूर्णिमा की बात करें तो यहाँ पर पूर्णिमा के दिन श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है भाद्रपद के अंदर। चैत्र फिर भाद्रपद फिर हम देखते हैं आश्विन। आश्विन की बात करें तो आश्विन में कृष्ण पक्ष में कौन सा त्योहार आता है और शुक्ल पक्ष में कौन सा त्योहार आता है। तो शुक्ल पक्ष में हम देखें एकम में शारदीय नवरात्र प्रारंभ होती है, अष्टमी को दुर्गाष्टमी या फिर होमाष्टमी होती है अश्विन के अंदर, दशमी को दशहरा विजयदशमी होती है। कोटा या तथा मैसूर जो कि कर्नाटक के दशहरे प्रसिद्ध हैं यहाँ पर दशमी के दिन। हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है दशमी के दिन। लीलनटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं यहाँ पर, और कन्हैया लाल सेठिया की कविता लीलहंस में ये बताया गया है कि लीलनटांस पक्षी है यहाँ पर उनका दर्शन शुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष की बात करें हम, कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष में कोई भी त्यौहार यहाँ पर नहीं मनाया जाता है, जैसे कि सांझे की पूजा की जाती है, सचिया माता की में यहाँ पर पूजा की जाती है। नाथ द्वार में मेले की यहाँ पर सांझी बनाई जाती है, केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को यहाँ पर सांझी मंदिर कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत यहाँ पर किया जाता है। पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा में आ जाता है शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, और इस दिन खीर व खीर बनाकर यहाँ पर खाई जाती है। मेलों की बात करें तो मारवाड़ में मांड महोत्सव है जो जोधपुर में लगता है, मीरा महोत्सव है जो कि चित्तौड़ में लगता
लगता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे कि कार्तिक की, कार्तिक में कौन कौन से मेले हैं या फिर त्यौहार है जो मनाए जाते हैं। तो कार्तिक में कृष्ण पक्ष की बात करें तो चतुर्थी जो कि करवा चौथ मनाई जाती है, अष्टमी को अहोई अष्टमी जो संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाए जाते हैं, और यहाँ पर त्रयोदशी है धनतेरस धनवंतरी जयंती मनाते हैं। यहाँ पर शुक्ल पक्ष में बात करें तो गोवर्धन पूजा एकम को करते हैं। नाथ द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जो भील जनजाति भाग लेती है यहाँ पर नाथ द्वारों के द्वारा। द्वितीय की बात करें तो भैया दूज आती है इसमें, और यम द्वितीया भी यहाँ पर आती है। तो कार्तिक के अंदर ये यम द्वितीया भी आती है। अष्टमी की बात करें यहाँ पर शुक्ल पक्ष के अंदर तो गोपाष्टमी होती है। नवमी की बात करें तो आंवला नवमी और अक्षम नवमी होती है। अगर कृष्ण पक्ष की बात करें चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी होती है, और अमावस्या की दीपावली मनाई जाती है, और भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती को निर्वाण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें अगर शुक्ल पक्ष की एकादशी को देखें हम, देवउठनी एकादशी कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, और तुलसी एकादशी भी कहते हैं। पूर्णिमा की बात करें तो सत्यनारायण पूर्णिमा है, और मेले की बात करें यहाँ पर कौन सा मेला लगाया जाता है, पुष्कर का मेला, कोलायत का मेला, चंद्रभागा का मेला जो कि झालावाड़ में लगता है, और रामेश्वरम का मेला जो कि सवाई माधोपुर में लगता है। नेक्स्ट हम बात करें पुष्कर की, तो पुष्कर में यहाँ पर आते हैं तीर्थराज, तीर्थों का मामा इसको कहा जाता है, कोकण तीर्थ भी इसको कहते हैं पुष्कर को। यहाँ पर तीर्थों का भांजा मचकुंड जो कि धौलपुर में माना है यहाँ पर, और तीर्थों का मेला जो लगता है यहाँ पर, ये तीर्थों का भांजा का मचकुंड में है, और तीर्थों का मेला जो लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में शेर शिकार गुरु द्वारा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री का मंदिर है, गायत्री का मंदिर है, रंगनाथ का मंदिर है, और 52 यहाँ पर टोटल पुष्कर में घाट है। कोलायत की बात करें तो कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पर, सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कोलायत में कपिल मुनि। फिर चंद्रभागा की बात करें, चंद्रभागा का मेला है, पशु मेला लगता है, मालवीय नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है चंद्रभागा में, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें माघ में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो माघ में कृष्ण पक्ष की बात करें हम तो चतुर्दशी को या चतुर्थी को हम तिल चतुर्थी मनाते हैं, और संकट हरण चतुर्थी भी इसको कहते हैं। मेला की बात करें चौथ के बरवाड़ा में यहाँ पर सवाई माधोपुर मेला लगता है चतुर्थी को। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष एकम में गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होती है, पंचमी में बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, या इस दिन गार्गी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर स्वर लगता है वो शिव का सिब्बा मंदिर, सवर लगता है वो शिव का मंदिर। तो यहाँ पर हम देखें पूर्णिमा बैणेश्वर मेला लगता है, बैणेश्वर में नवा टापरा झुरगर डूंगरपुर में है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। एकादशी अगर कृष्ण पक्ष की बात करें तो षट तिला एकादशी है, अमावस्या की बात करें तो मौनी अमावस्या आती है, कुंभ का शाही स्नान इसी दिन किया जाता है, और इसे यहाँ पर बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। अगर शुक्ल पक्ष की बात करें हम किसकी, बैणेश्वर मेला की, तो बागड़ का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें फाल्गुन की, फाल्गुन में कृष्ण पक्ष के अंदर जैसे कि त्रयोदशी है, त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का मेला घूमेश्वर मेला सिवाड़ में लगता है, और शुक्ल पक्ष द्वितीया को फुलेरा दूज है, और पूर्णिमा को यहाँ पर होली है। तो यहाँ पर हम देखें विनायक जो कि अजमेर में है कोड़ामार होली खेली जाती है, महावीर जी करौली में लठमार होली खेली जाती है, बाड़मेर में पत्थरमार होली और इलोजी की बारात होती है, ब्यावर में बादशाह टोडरमल की सवारी की जाती है, सांगोद कोटा में नहाना होता है, और राजस्थान की पहली सहकारी समिति विनाय में यहाँ पर स्थापित की गई थी 1904 में। जयपुर में जन्म मरण भरण का त्यौहार है, और इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें चैत्र की, चैत्र में चतुर्थी को कृष्ण पक्ष और अवबाध के रूप में गणेश चतुर्थी भी यहाँ पर आ जाती है, तीज तीज में पार्वती आ जाती है, जैत्र में कृष्ण पक्ष की बात करें तो एकम में धूलेंडी आ जाती है, और अष्टमी में शीतलाष्टमी या फिर वासियोड़ा भी कहते हैं इसको शीतलाष्टमी को, और शुक्ल पक्ष में एकम में नववर्ष या बसंत नवरात्र प्रारंभ होती है, तृतीया में गणगौर होती है। अष्टमी की बात करें इस दिन चाकसू में गधों का मेला लगता है कृष्ण पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर तृतीया में जयपुर और उदयपुर की गणगौर लोकप्रिय है। जेम्स टॉड ने उदयपुर को गणगौर का उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। कृष्ण पक्ष के अंदर एकादशी की बात करें तो जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है, और शुक्ल पक्ष की हम तृतीया की बात करें तो गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार है। लड़कियां अपने लिए अच्छा पति और अच्छी भाभी की कामना यहाँ पर करती हैं।
जैसलमेर में चतुर्थी का केवल गौर की सवारी निकाली जाती है। नाथद्वार में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर मनाई जाती है। अष्टमी की बात करें तो अशोका अष्टमी भी इसको कहते हैं। नवमी की बात करें तो रामनवमी और पूर्णिमा की बात करें तो हनुमान जयंती पर मेले लगते हैं यहाँ पर सालासर चूरू में और दाढ़ी मूछ वाले बालाजी और मेहंदीपुर जो कि दौसा में है यहाँ पर मेला लगता है। फिर बैसाख की बात करें, बैसाख में कृष्ण पक्ष की तृतीया को दींगा गावर मेला जो कि जोधपुर में लगता है और शुक्ल पक्ष की तृतीया की बात करें यहाँ पर अक्षय तृतीया अखातीज को मनाते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। पूर्णिमा की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा है। मेले की बात करें यहाँ पर तो पशु मेला है यहाँ पर, गोमती सागर मेला जो कि झालरा पाटन में है पशु मेला लगता है ये, और मालवी नस्ल के पशुओं का यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है। बाण गंगा मेला है विराट नगर में लगता है जयपुर में, मातृकुंडिया मेला है चित्तौड़ में लगता है और नक्की झील का मेला है माउंट आबू में लगता है। गोमतेश्वर मेला है अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। नेक्स्ट हम बात करें ज्येष्ठ की, तो ज्येष्ठ में क्या होता है जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यहाँ पर काम आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तो अमावस्या की यहाँ पर बट वृक्ष अमावस्या है, इसको बड़ अमावस्या कहते हैं। कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बट वृक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। दशमी की बात करें तो गंगा दशमी यहाँ पर शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है और भरतपुर के अंदर गंगा दशहरा मेला लगता है यहाँ पर। एकादशी की बात करें तो निर्जला एकादशी यहाँ पर मनाई जाती है। इस दिन जयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। आषाढ़ की बात करें तो आषाढ़ में क्या होता है, एकम गुप्त नवरात्रा प्रारंभ होती है। नवमी की बात करें तो भदल्या नवमी यहाँ पर बनती है। एकादशी की बात करें तो देवसेनी एकादशी यहाँ पर मनाई जाती है। पूर्णिमा की बात करें तो गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा यहाँ पर मनाई जाती है आषाढ़ के अंदर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर पौष की बात करें तो माघ में जनवरी, और माह की बात करें माघो माह फागुन फरवरी, फाल्गुन चैत्र मार्च, और फिर चैत्र बैसाख यानी अप्रैल में आती है। जनवरी में पौष और माघ आ जाते हैं, कभी कभी फरवरी में माघ और फागुन आ जाते हैं, फागुन और चैत्र मार्च में आ जाते हैं, चैत्र वैशाख अप्रैल में आ जाते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। जैसे चैत्र वैशाख जेठ श्राद्ध श्रावण जिस तरीके से यहाँ पर चलेगा जो भी क्रम इनका है। और यहाँ पर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें मुस्लिम त्योहारों की, मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं और हिजरी कैलेंडर में चंद्रमा आधारित कैलेंडर है लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है। जैसे कि मुहर्रम है, मुहर्रम मनाया जाता है, और सफर है, रबी उल अव्वल है, रजब है, सावान है, रमजान है, शव्वाल है, जिल्लाद है, जिल्हिज है, जमातुल सानी है, जमात उल अव्वल है, रबी उस सानी है। तो मुहर्रम की बात करें सबसे पहले ये 10 तारीख को मनाया जाता है मुहर्रम। हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं और हुसैन कबीला इराक का जो लड़ता हुआ शहीद हो गया था उसकी याद में किया जाता है। हुसैन मोहम्मद साहब का दोहिता था। मुहर्रम का अर्थ होता है दुख। नेक्स्ट हम देखें 27 तारीख को सैयद फरुखुद्दीन का उर्स यानी गलियाकोट जो डूंगरपुर मेला लगता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग यहाँ पर भाग लेते हैं। सफर की बात करें 20 तारीख को मनाया जाता है। चेहल्लम यानी हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे होने पर मनाया जाता है। रबी उल अव्वल की बात करें 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद मिलादुल नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उसकी याद मनाया जाता है, और बराफात पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। रबी उल सानी की बात करें कोई त्यौहार नहीं है यहाँ पर। जमात उल अव्वल है कोई भी त्यौहार नहीं है, जमात उल सानी है ये भी कोई त्यौहार नहीं है। 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है। फारस की संजरी गांव में इसका जन्म होता है जिसकी दरगाह अजमेर में है। रजब की बात करें 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मेला लगता है। भीलवाड़ा का गोरी परिवार उर्स की शुरुआत करता है। 6 तारीख को कुल की रस्म यहाँ पर अदा की जाती है। 9 तारीख की बात करें बड़े कुल की रस्म यहाँ पर अदा की जाती है। 27 तारीख की बात करें तो मेवाड़ की राज मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी यहाँ पर। सावन की बात करें तो 14 तारीख सभी रात इस दिन मुस्लिम गलत कामों को माफी मांगी जाती है यहाँ पर सावन के दिन। रमजान की बात करें सबसे पवित्र महीना है, इस महीने में रोजे रखे जाते हैं। 27 तारीख सभी कंद्र इस दिन कुरान धरती पर आई थी। शव्वाल की बात करें 1 तारीख को ईद उल फितर मीठी ईद सिवैया की ईद और भाईचारे का त्यौहार है यहाँ पर 1 तारीख। जिल्लाद की बात करें जिल्लज इस महीने में हज यात्रा की जाती है। और 10 तारीख की बात करें
ईद उल जुहा बकरीद आती है 10 तारीख को, और कुर्बानी का त्यौहार भी 10 तारीख को ही है। फिर हम देखें जैनों का त्यौहार, जैनों के त्यौहार में बात करते हैं हम ऋषभ जयंती की, चैत्र कृष्ण नवमी को यहाँ पर ऋषभ जयंती है। मेले की बात करें तो धुले जो कि उदयपुर में लगता है, यहाँ अष्टमी और नवमी को मेला होता है, और भील जनजाति इनकी केसरिया नाथ जी के रूप में पूजा करती है। महावीर जयंती की बात करें तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती लगती है। रोट तीज की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज लगती है। यहाँ पर सुगंध दशमी या फिर धूप दशमी की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर सुगंध दशमी या धूप दशमी आती है। और 10 लक्षण पर्व की बात करें जैसे कि चैत्र भादव और महा में शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक ये 10 लक्षण पर्व चलता है। भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व पर्युषण महापर्व कहा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें पर्युषण क्या होता है, जैसे कि दिगंबर और श्वेतांबर दो तरह के जैन ही होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्थी तक यहाँ पर दिगंबरों का आस मेला चलता है पर्युषण, और श्वेतांबरों में यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक चलता है, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष तक चलता है श्वेतांबरों का। नेक्स्ट हम देखें आश्विन कृष्ण एकम से पड़ाव शोक तक क्षमा याचना पर्व चलता है, और श्वेतांबर में भाद्रपद शुक्ल पंचमी से संवत्सरी पर्व ये क्षमा याचना पर्व चलता है। नेक्स्ट हम देखें सिक्कों के त्यौहार, सिक्कों के त्यौहार में गुरु नानक जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। मेले यहाँ पर कोलायत में और शाहबाद चूरू में लगते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती है, पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है, लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाती है, बैसाखी है 17 अप्रैल को मनाई जाती है। और सिंधी समाज के त्यौहार की बात करें हम, सिंधी समाज में चेटी चंडे जो कि झूलेलाल जयंती है, चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। झूलेलाल जी भगवान वरुण का अवतार माना जाते हैं, उन्होंने सिंध के राजा मृग शाह को मारकर उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। ऐ सुचुंड की बात करें आश्विन शुक्ल एकम को मनाया जाता है, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है यहाँ पर। चालीहा महोत्सव है 16 जुलाई से 27 जुलाई तक, 27 अगस्त तक होता है। और यहाँ पर थदड़ी सातम है, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को ये मनाया जाता है थदड़ी सातम। ईसाइयों के त्यौहार की बात करें तो ईसाइयों के त्यौहार में हम बात करें क्रिसमस की, 25 दिसंबर 2014 से ये सुवासन दिवस मनाया जाता है, और ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है क्रिसमस के दिन। नव वर्ष की बात करें तो 1 जनवरी को इस दिन ईसा मसीह को 4 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसे प्रबोधन कहा जाता है। और इस दिन से ईसवी कैलेंडर की शुरुआत की गई है, और यहाँ कैलेंडर 1583 में पोप ग्रेगरी यहाँ पर 8 ने बनवाया था, इसलिए इसे ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे की बात करें, शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को फांसी दी गई, और ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे होता है। ईस्टर की बात करें, रविवार के दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे, और 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच जो पहली पूर्णिमा आती है इसके ठीक बाद वाला रविवार ईस्टर कहलाता है। असीसन एसीसन डे की बात करें, ईस्टर के 40 दिन बाद आता है असीसन डे, और इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्गलोक चले गए थे। तो ये सारे हैं जो राजस्थान के त्योहार मनाए जाते हैं।